जब भी आप किसी साइट पे जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, आपको रिवॉर्डेड फीलिंग होती है, डोपामीन आपके दिमाग में जाता है, आपको बड़ा सुकून मिलता है, ठंड मिलती है, काम कुछ नहीं करना पड़ता, पैसिव है, मतलब एक लाइन लिखी, लाइक्स लाइक्स लाइक्स, कुछ नहीं आपको करना पड़ रहा। और इसकी वजह से ये भी देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर रहते हैं उनके अंदर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आती है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या होती है? लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं देखना, फ़ौरन कुछ हासिल हो जाए। OCD बढ़ता है किसी भी तरह का, क्योंकि हुक टैंप उसके साथ। ADHD बढ़ता है। अच्छा, बॉडी डिसमॉर्फिया बहुत ज़्यादा हो गया। बॉडी डिसमॉर्फिया क्या होता है? मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, या मेरा वज़न ठीक नहीं है, मेरी लुक्स ठीक नहीं है, आई एम नॉट प्रिटी, और अपने आप को खूबसूरत कैसे बनाऊँ, अपनी लिमिटेशन ज़्यादा नज़र आनी शुरू रहती है। और इसी वजह से फिर जो आपका ये होता है एन्जाइटी और डिप्रेशन, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह एनालिटिक स्किल्स में आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आप ऑब्जर्व करते हैं। बस देखिए ना, अगर आपके घर में भी कोई कह रहा है कि बेटा ये इस्तेमाल ठीक नहीं है, तो ऑब्जर्व तो करें ना। सिर्फ ये ना देखा कि मेरी फ्रेंड्स के पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, मैं इतनी गरीब लगती हूँ, इतनी अजीब लगती हूँ, मुझे मेरे पास कुछ नहीं होता। आप ऑब्ज़र्व करें कि मेरी किन किन फ्रेंड, जो जो फ्रेंड यूज़ कर रही हैं, वो रात को टाइम पे नहीं सो रही, उनकी मेंटल हेल्थ कितनी ख़राब हो रही है, उनको एन्जाइटी कितनी है, वो सेल्फ हार्म में कितने, वो लड़कों से कितनी बात करती हैं, ड्रग्स कर रही हैं, वेपिंग कर रही हैं, छुप छुप के गलत काम कर रही हैं, माँ बाप से छुप के इस तरह की हरकतें कर रही हैं। दिस इज़ नॉट राइट, ये तो ठीक नहीं है। ये एनालिटिक्स के लाभ का है। फिर आप अपने आप को बताते हैं फिर सोल्यूशन क्या है, कि फिर मुझे इस्तेमाल अगर ज़रूरत पड़ रही है तो कैसे इस्तेमाल करना है, या कैसे कोई काम करना है। और फिर फ़र्ज़ करें कि आप इस्तेमाल करें, रिव्यू करते रहें। अब तो देखिए वो वीकली आपके पास आ जाता है कि आपने कितनी देर इस्तेमाल किया, स्क्रीन टाइम कितना किया। आपको आप जस्टिफाई ना करें ना, वो दरअसल मैं बोर हो रही थी ना, दरअसल छुट्टियाँ थी ना, दरअसल इस वजह से था। आप वाकई समझते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इन एनालिटिक स्किल्स में आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ज़्यादा इन्हांस करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? जब गलत कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा होता है तो आप उसको उस पर सवाल उठाते हैं, सही बात पे सवाल नहीं उठाते। दुनिया का कोई एक्सपर्ट नहीं है जो आपको कहता है कि जितना मर्जी सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, कोई एक्सपर्ट नहीं कहता, जो मर्जी आर्टिकल पढ़ लें। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग आपकी तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपकी कुरान की ग्रिप अच्छी ना हो। और ये एक समर कोर्स करने से नहीं सिर्फ आएगी, आपको लाइफ लॉन्ग कुरान का स्टूडेंट बनना पड़ेगा कि आप चीज़ों की गहराई तक जाएं। इसके अलावा नहीं आप जा सकते, नहीं तो आपका नॉलेज बड़ा सतही सा होता है। इसी तरह आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि मैं जब कोई चीज़ देखती हूँ या मैं किसी चीज़ को इस्तेमाल करती हूँ तो मेरे फैसले कैसे होते हैं, मेरी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है, सही डायरेक्शन में स्ट्रांग होती है, गलत डायरेक्शन में स्ट्रांग होती है। मैं भी पिछले दिनों एक कहीं समर कैंप था, यंग बच्चे बच्चियाँ थे, कोर्ट मैरिज का पता नहीं कहाँ से बच्चों में से किसी ने जिक्र किया, तो मैंने उनको कहा कि ये गलत बात है। आप सोचें वो 14 साल के बच्चे ने भी इतनी बहस की मेरे से कि जी कोर्ट मैरिज क्यों नहीं कर सकते अगर घर वाले नहीं मान रहे। ये कहाँ से आ रही हैं बातें, ये ड्रामों से, कि वो ड्रामे में इतना हमें तरस दिलाया जाता है कि अगर एक लड़का लड़की शादी नहीं कर रहे, मतलब मेरा दिल चाहता है दोनों को खड़ा करके एक चपेड़ लगाऊं कि जो हरकतें कर रहे हैं तबाही की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमें इतना तरस दिलाया जाता है, तो हमारे अंदर जो डाटा जा रहा है और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं, एनालिटिक स्किल्स है ही नहीं, वो हमें बताता है बिल्कुल इनको कर लेनी चाहिए कोर्ट मैरिज। भाई अगर अम्मा अब्बा नहीं मान रहे तो कोई वजह ही नहीं मान रहे, वो तो चाहते हैं शादी हो जाए, अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छी लड़की मिल जाए, क्यों नहीं मान रहे, कोई वजह है ना, उस वजह को समझे। वो नहीं समझ आ सकती जिसकी एनालिटिक स्किल्स स्ट्रांग नहीं है, कोई रिसर्च ही नहीं हमने की होती, कोई एक्सपीरियंस लोगों की बात ही नहीं हम सुनते, रिसर्च का कैसे होती है, कभी किए कोई रिसर्च, ये किसी ने नहीं की ना। अभी रिसर्च वर्क जो करते हैं वो जो कितनी साइटेशंस देखते हैं, हम मेडिसिन में अगर एक जुमला बोल दें ना कि ये सर्जरी ऐसे करनी चाहिए, ये यहाँ पे इस डिजीज़ के लिए मेडिसिन देनी चाहिए, हमारे सीनियर फॉरन कहते हैं एविडेंस लाओ, एविडेंस लाओ, कौन सी आर्टिकल में आया है,
कहाँ से इसका ऑथेंटिक सोर्स मिलता है। और हमारा दीन इससे बड़े हमें सोर्सेज देता है कि तुमने ये जुमला बोले इसका क्या एविडेंस है कुरान और हदीस से। लेकिन नहीं, हम कहते मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह ताला नाराज़ होंगे अगर मेरे घर वाले मुझे तंग कर रहे हैं और मैं किसी लड़के से बात करूं, स्पेशली जब मैं उसे शादी करने का सोच रही। लेकिन मैं कोई कत्ल तो नहीं कर रही ना, मैं किसी से मोहब्बत ही कर रही हूँ ना, तो इसमें क्या बुराई है? मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह ताला कुछ कहेंगे। देखिए अगर माँ बाप डांटते जाएं तो क्या गुस्सा नहीं आ सकता? ये तो ज्यादती है ना, मेरे भी तो हकूक हैं। ये वो बातें करते हैं जिन्होंने कभी कोई रिसर्च वर्क नहीं किया, कभी जाकर किसी एक्सपर्ट से नहीं पूछा। और देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान स्टूडेंट भी हूँ, फिर मैं मेडिकल डॉक्टर भी हूँ, फिर मैं बहुत सारी रिसर्चेज में बहुत सारी फील्ड्स में आगे पीछे आती जाती हूँ। मैंने नहीं कहीं पर भी कोई ऐसा बड़ा इख्तलाफ देखा, यानी जो कुरान बता रहा है जो हदीस बता रही है वही साइंसेज किसी न किसी लेवल पे बता रही है। लेकिन अगर आप कोई किसी की बात सुनेंगे तो फिर, और अगर आप ये सब कुछ करें फिर आपको कोई स्टैंडर्ड मिलता है, फिर आप अपने मसाइल को हल करते हैं। लेकिन अगर मैंने अपने हॉर्मोन्स की वजह से, अपनी जवानी के नशे की वजह से, अपने बागीपन की वजह से फैसले करने हैं, तो ये जो हम मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये हमारे अंदर वो तबाही लेकर आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक बिहेवियर की एडिक्शन है, नशा है बिहेवियर का, और इसमें हमारा दिमाग हमारी तवज्जो हर तरफ रहती है। और आपको पता है कि जब आप जवान होते हैं तो आपका दिमाग बहुत डेवलप हो रहा होता है। एक्सपर्ट्स ये न्यूरोसाइंसेस वाले कहते हैं कि ये सेकंड बिगेस्ट पीरियड होता है जब आपकी ब्रेन डेवलपमेंट होती है, एक बचपन में होती है और एक जब आप जवानी में। तो जवानी को तो हम तबाह कर रहे हैं, वो हमने प्रूव किया जवानी दीवानी और दिल को क्या बना दिया बच्चा, तो फिर क्या होगा? ये सोशल मीडिया हमारे लिए एक डिज़ास्टर है। तो एल्गोरिथम्स को समझें, अपनी बाउंड्री सेटिंग को करें, अपने आप को एम्पावर करें। एम्पावर करने का क्या मतलब होता है? हाँ, जहाँ मुझे कोई चीज़ इस्तेमाल करनी होगी मैं इस्तेमाल करूँगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द राइट स्टैंडर्ड। और अगर मैंने राइट स्टैंडर्ड अपने अंदर आज ना डाला तो मैं आगे ज़िंदगी में ठोकरें खाऊँगी, बदतरीन फैसले करूँगी और तबाही की तरफ जाऊँगी। समझ रहे हैं? देखिए ना, आज आपको अपने वालदैन के साथ उनके घर में रहते हुए अगर सही पैरामीटर्स प्रैक्टिस ना करने आए, कल को जब आप आज़ाद हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई, अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, वहाँ क्या करेंगी? वहाँ बॉस से लड़ाई, वहाँ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को तबाह करना, वहाँ अपने लिए गलत फ़ैसले, वहाँ पर भी आप फिर गलत फ़ैसले करेंगी। मैं तो हर वक्त लोगों को देख रही हूँ कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। इसीलिए कुरान मजीद को पढ़ना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने हमें हर मामले में जो एक फार्मूला दिया है ना, जो सूरह अल मुल्क की आयत नंबर 2 में आता है, क्या है? अहसन अमल वाला। कि अल्लाह ताला ने क्या टेस्ट करना है हमारे लिए कि हम क्या कर रहे हो? अहसन अमल। अहसन अमल क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है? कुरान और सुन्नत के मुताबिक। अब अगर आप में से कोई कहे कि मतलब फ़ोन तो तब नहीं था, लैपटॉप तो नहीं था, उसमें अहसन अमल क्या होगा बताएं? गाने सुनना अहसन अमल होगा, ड्रामा देखना अहसन अमल होगा, फिल्म देखना। अगर अम्मी से वादा किया कि एक घंटे में फ़ोन रख दूंगी और नमाज़ें अपनी पढ़ूंगी और मैं नहीं कर रही तो अहसन अमल होगा? हम बड़े ईजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को फेस नहीं करना चाहते, तो इसको फेस करना सीखें। लेकिन ये बहुत अहम सवाल पूछ रहे हैं कि जो आजकल की यंग मदर्स हैं और उनके छोटे बच्चे हैं और वो बहुत अच्छी तरह ये सब बातें समझती हैं, लेकिन जब बच्चा उनसे कंट्रोल नहीं होता, तंग करता है, तो वो क्या करती हैं? फौरन उनके हाथ में फ़ोन पकड़ा देती हैं। तो ये तो मैं अपने ऑफिस में भी देखती हूँ, बच्चे को मैं चेक कर रही हूँ क्योंकि मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं बच्चों को चेक कर रही हूँ, तो पेरेंट्स फौरन निकालते हैं, वालिद या वालदा निकालती हैं और वो फ़ोन। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप बच्चे को क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, सिर्फ आपके सामने ताकि तंग ना। मैं क्या, मैं तो तंग नहीं हो रही बच्चे के रोने से, मैं तो बच्चे से कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर लूँगी, मेरा तो काम है दिन रात का ये।
लेकिन आप इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं कर सक रहे और आप उसको स्क्रीन दे रहे हैं। तो ये कौन से वालदैन हैं? ये वही वालदैन हैं जब वो इस उम्र के थे, जो यहाँ पर ज़्यादातर इस वक्त हमारे पास सामने क्राउड बैठा हुआ है, उन्होंने अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं डेवलप किया, बर्दाश्त नहीं पैदा की, अपने आप को डेवलप नहीं किया। शादियाँ हुई और जब बच्चे हुए तो अब उनकी सोच ही नहीं, ना उनकी एनालिटिक स्किल्स हैं, ना क्रिटिकल थिंकिंग है, ना प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ना वो रिजल्ट्स फौरन के देखते हैं, ना वो बाद के देखते हैं, और वो अपने आप को डिज़ास्टर की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो हर स्टेज पर हमें बहुत महतात होकर चलने की ज़रूरत है। ज़िंदगी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, लेकिन बाउंड्री में रहते हुए। अगर बाउंड्री से बाहर आप चले गए तो मसाइल। अच्छा देखिए, ये यंगस्टर्स बहुत कंप्लेन करते हैं कि जी हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा रिलेशनशिप नहीं है, और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि इसमें सिर्फ बच्चों का कसूर नहीं है, वालदैन का भी है, वालदैन भी लॉस्ट हो चुके हैं। मैं आपको बताऊँ, लिटरली मुझे भी कई दफ़ा समझ नहीं आती कि जो मेरे जवान बच्चे हैं उनसे क्या बात करते हैं। ज़माने इतने बदल गए हैं, क्योंकि अक्सर बातें जो मैं करना चाहती हूँ वो उनको बोरिंग लग रही होती है। जो वो सुनना चाह रहे हैं कि सिर्फ अम्मा बैठ के इजाज़तनामे लिखती रहें, वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पेरेंटिंग करनी है। पेरेंटिंग इज़ नॉट अबाउट पॉपुलैरिटी वोट। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि मैं कैसे इस मसले को हल करूं। तो इसमें दोनों को अपनी जगह काम करना है। अब हम यहाँ बैठ के ये तो नहीं सोच सकते ना कि देखें मेरे वालदैन को ये करना चाहिए, मुझे ये देखना है मैं क्या कर सकती हूँ। आप इतना तो कर सकते हैं कि जब आपके वालदैन आपसे बात करने के लिए आए तो अपना फ़ोन नीचे रख लें, जब आपके वालदैन घर में एंटर हों तो आप उनको कोई पानी हाजिर कर दें, अपने कमरे की सफाई कर दें। क्योंकि होता ये है कि जब हम अपने काम पूरे नहीं कर रहे होते तो जो वालदैन है ना, उनको तरबियत भी करनी है, ज़ाहिर कम्युनिकेशन के थ्रू करनी है, लेकिन उनके पास 15 चैलेंज हैं और उनके पास 5 मिनट हैं। तो अगर हम उनको 15 चैलेंज नहीं देंगे तो उस 5 मिनट में वो हमसे अच्छी गुफ्तगू कर लेंगे, गपशप लगा लेंगे। लेकिन जब हम उनको 15 चैलेंज देते हैं और उस 5 मिनट में वो कहते हैं कि चलो मैं इनको 3 चीज़ें तो बता दूँ जो ठीक कर लें, तो मसला वालदैन के साथ कम है, हमारे साथ ज़्यादा है। इसी तरह से अगर आप देखें, आप यहाँ से कोर्स अटेंड करके जाते हैं, बहुत से लोगों का मैंने रवैया देखा है यंगस्टर्स का, वो ज़बरदस्ती आए होते हैं। अच्छा, उनको मज़ा भी आता है, क्लासेस में वो सीखते भी बहुत हैं, लेकिन घर जाके जब अम्मी पूछती हैं बेटा कैसी रही आज की क्लास, कैसा दिन गुजरा, तो हम क्या बोलते हैं? बोरिंग, क्या मुसीबत है, आपने ज़रूर पूछना है, मैं थकी हुई हूँ। तो हमारी कन्वर्सेशन कैसी है, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे अपने वालदैन से बात करते हैं? हमें अपनी गुफ्तगू को ठीक करना है, अपने तरीके को ठीक करना है। और जब तक हम अपना किरदार सही नहीं करेंगे, यानी अपना रोल नहीं सही प्ले करेंगे, और हम ये कंप्लेन करते रहेंगे कि वो नहीं सही काम करें, तो मसला है। दूसरा, जो आपने बड़ी क्रिटिकल बात की कि अब मैं वाकई किसी मसले में उलझ गई हूँ, तो बताएं वालदैन को। अब देखें, डांट तो पड़ेगी, ये तो अंडरस्टूड है, वो चीखेंगे, वो चिल्लाएंगे, वो बोलेंगे, तो आप खामोश रहें, आप बदतमीज़ी ना करें। आप कहें कि हाँ मुझसे होगी गलती, लेकिन मैं आपके अलावा किसको बता सकती हूँ, किस पे भरोसा कर सकती हूँ? वहाँ पे फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी लैंग्वेज आएगी। अगर वो दुरुस्त नहीं है तो आपके लिए फिर डिज़ास्टर है। तो वी कम बैक टू द सेम पॉइंट कि हमें अपने आप को डेवलप करना है। यानी अगर यहाँ पे माएँ बैठी होती हैं तो फिर मैं माओं को इस मसले का हल ये बताती हूँ, आप अपने आप को डेवलप करें। जहाँ बच्चे बैठे होते हैं कहती हूँ आप अपने आप को डेवलप करें। यानी मैं भी एक ऐसी जनरेशन की प्रोडक्ट हूँ
कि मेरे जो वालदैन थे ना, उन लोगों को तो ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि बच्चों को मोहब्बत भी करनी है। वो तो मैं बताते थे ये ऐसे आप देख लें पिछले जो आपके वालदैन, आप कहेंगे बेटा तुम लोगों ने तो सख्तियाँ देखी नहीं, हमारे अम्मा बा कितने सख्त थे। तो मुझे भी जब एहसास हुआ कि अच्छा मुझे रिलेशनशिप का चैलेंज आ रहा है, तो मैंने क्या किया, कंप्लेन, आपने मुझे मोहब्बत नहीं की, आपने मेरा ख्याल नहीं रखा, आपने मुझे ये नहीं कहा, मैंने खुद करना शुरू कर दिया। मुझे अगर लगा कि अच्छा मेरे वालदैन ये नहीं करते, जो भी करना चाहिए मैंने कुरान में पढ़ा, मैंने वो करना, अच्छा मैंने करना शुरू किया तो वालदैन ने भी करना शुरू कर दिया। तो मैं लीड ले लूँ ना, मुझे महसूस हो रहा है, मुझे लग रहा है मेरी अम्मी कभी मुझे गले नहीं लगाती, मैं जाके गले लगा लूँ। मेरी अम्मी कभी मेरा हाल नहीं पूछती, मैं जाके पूछूँ अम्मी आपका क्या हाल है। हो सकता है वो शुरू में कहें खैरियत है, पैसे चाहिए, क्या चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली वो उनके अंदर भी वो एक अच्छी बात आ जाएगी ना। आप उस चीज़ को स्प्रेड आउट करें, पता चले कि आप कुरान सीख के आए, शो करें, जो यहाँ पे आपको सिखाया जाता है वो उसको करें, आपको मज़ा खुद आएगा, आप अपनी ज़िंदगी को खुद बेकार बनाते हैं। अब आज आप जाएं अम्मी पूछे कैसा दिन गुजराता है, बहुत अच्छा गुजरा, हमने तजवीद पढ़ी, फिर हमने कुरान पढ़ा, फिर हमारा एक लेक्चर हुआ, फिर हमने ये किया, फिर कैफेटेरिया गई, मैंने ये खाया, फिर इतना मज़ा आया, फिर ये किया, फिर वहाँ फ्रेंड्स बनी, तो कितनी अच्छी गुफ्तगू हो जाएगी। लेकिन अगर हम मुँह बना के कमरे में आएंगे और फ़ोन उठाएंगे कहेंगे बस, तो वो माँ कहेगी बेचारी मैं क्या करूँ और कितनी गुफ्तगू कर लूँ। ठीक है जी, तो अल्लाह ताला में तौफीक दे कि जो जो आजकल के मसले मसाइल उनकी नौयत को हम समझें और देखें कि हमने करना क्या है। इजाज़त चाहती हूँ, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।